आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। सदर अस्पताल का हाल आपसे छिपा नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तरारी विधायक सुदामा प्रसाद ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर कई बातों का उन्होंने उल्लेख किया। तरारी विधायक ने सिविल सर्जन, जिलाधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत कर बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की भी बातें कही। सुदामा प्रसाद ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में मरीजों की हालत काफी दयनीय है और इसकी सुधार को लेकर कई प्रयास जो दावे की जा रही है, ये सारे दावे खोखले हैं। सुनिए तरारी विधायक सुदामा प्रसाद का क्या कह रहे हैं। अभी अभी मैंने हम तो देखे 500 लोग जो है नीचे पड़े हुए, तो खैर हम फिर बात करेंगे शाम को स्वास्थ्य मंत्री से, आज जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्री तो प्रभारी मंत्री बन गए हैं। प्रभारी हमने कहा कि कल जो पहली मीटिंग थी जिले की, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को उस मीटिंग में शामिल होना चाहिए था, हमने यही सवाल उठाया। यहाँ इलाज नहीं हो रहा है और मैंने कोरोना से निपटने के नाम पर जो हर जगह जाकर देखे, चट्टी बाजार पर पुलिस डंडा फटकार रही है, दुकानों को सील कर रही है, पिटाई कर रही है दुकानदारों, राहगीरों को पिटाई कर रही है, डॉक्टर नहीं है, तो ये बहुत बदतर स्थिति है। देखिए पेशेंट है, ये कहाँ से आए हैं आप? गनौली से सर, गनौली से जी। क्या नाम है? अरविंद कुमार। आपकी क्या दिक्कत है? मेरा भाग ही है सर।